हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.2 पार्ट टू पार्ट वन में मैंने आप लोगों को इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पूरा आप समझ के चलिए कि पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसी के ऊपर बेस्ड है अगर ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आगे के जो आपके पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत इज़ीली आप कर पाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था क्या ये कहता था कि इफ एन इवेंट ऑकर्स इन एम डिफरेंट वे अगर कोई भी इवेंट एम डिफरेंट वे से हो सकती है और जब ये इवेंट हो जाए तो नेक्स्ट इवेंट एन डिफरेंट वेज से हो जाए और जब ये सेकेंड इवेंट हो जाए तो थर्ड इवेंट पी डिफरेंट वे से हो सके एंड इसी तरह से सोन फोर्थ इवेंट क्यू नंबर ऑफ वेज से फिफ्थ इवेंट एल नंबर ऑफ वेज से तो जब भी कोई इवेंट होनी है ये ध्यान रखिएगा कि प्रीसीडिंग इवेंट जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज है जो ऑकरिंग ऑल द इवेंट्स आर एम क्रॉस एन क्रॉस पी क्रॉस एंड सॉन दिस टोटल नंबर ऑफ वेज ओके तो बहुत सिंपल था अगर हमारे पास दो इवेंट है तो एम क्रॉस एन तीन इवेंट है तो एम क्रॉस एन क्रॉस पी एंड सो। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन नंबर इलेवन कहता है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट तो डिजिट कौन कौन से हमारे पास यहां पर डिजिट है जीरो पहले लिख लिया कीजिए वन थ्री फाइव सिक्स देखिए अगर आप इसे ओरली करने की कोशिश करेंगे तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे पर आगे जब थोड़े से ट्रिक इसमें यूज करेगा वो क्वेश्चंस में तो वो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी तो इसलिए पहले सारी चीजें लिख लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि दिखने में ये सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल दिखाई देते हैं पर हल्का सा एक चेंज करता है और पूरा उस क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है तो हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड हमें इन डिजिट्स को चूज करके थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो मीन हमारे पास क्या होगा थ्री डिजिट नंबर है तो पहली इवेंट होगी हमारे पास कि पहला डिजिट चूज करें नॉर्मल कोर्स में जब आप थ्री डिजिट नंबर बनाएंगे सपोज तो पहले आपको वन ही तो लिखना होता है फिर आप टू लिखते हैं फिर थ्री लिखते हैं ऐसे ही तो लिखते हैं तो या फिर आप इसे थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं पर वन बाय वन लिख रहे हैं देखिए वन बाय वन जब एक बार लिख दिया आपने तब दूसरा लिखा फिर तीसरा लिखा तो इट मींस जो थ्री डिजिट नंबर है उसमें थ्री इवेंट्स हैं कि पहली आप क्या है पहली इवेंट क्या है कि एक डिजिट चूज करिए फिर इन जनरल क्या करेंगे हम लेफ्ट वाली चूज करते हैं पर कई केसेस आएंगे जिसमें हम राइट right वाली भी चूज करेंगे पहले अभी देखिएगा आगे तो फर्स्ट इवेंट होगी जिसमें फर्स्ट डिजिट हम चूज करेंगे लेफ्ट वाली देन सेकंड सेकंड डिजिट चूज करेंगे देन थर्ड डिजिट चूज करेंगे और यही हमारी इवेंट है ये हमारी इवेंट फर्स्ट है फर्स्ट इवेंट क्या है कि एक डिजिट चूज करना आउट ऑफ दिस सेकेंड इवेंट क्या है ये हमारे पास इवेंट टू है क्या है कि एक डिजिट चूज करना आउट ऑफ दिस सिक्स डिजिट इवेंट थर्ड क्या है हमारे पास इवेंट थर्ड है ये डिजिट चूज करना आउट ऑफ दिस सिक्स डिजिट्स क्लियर तो बहुत सिंपल है तो फर्स्ट केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड तो लैंग्वेज तो आप लिख लीजिएगा तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ वेज हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेस्ट फॉर थ्री मेकिंग फॉर फॉर्मिंग थ्री डिजिट नंबर तो हम अब ये लैंग्वेज आप लिखिएगा नंबर ऑफ वेस्ट क्या हो जाएंगे देखिए अब आप. अब आपके पास ये इस तरह से हम लोग इसे ब्लॉक मेथड से करेंगे आप इसे ब्लॉक बना लीजिएगा अब फर्स्ट इवेंट ये है हमारे पास तो फर्स्ट इवेंट कितने नंबर ऑफ वेस्ट से हो सकती कितनी चॉइसेस है हमारे पास अभी आप देखें हमारे पास कितने नंबर कितने डिजिट्स हैं सिक्स डिजिट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इस सिक्स डिजिट में हम यहां पर चॉइसेस कितनी है हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो थ्री डिजिट नंबर जीरो वन टू क्या ये थ्री डिजिट नंबर है नो दिस इज नॉट थ्री डिजिट नंबर क्यों क्योंकि ये शुरू में जीरो है तो इट मींस क्या कि आपका पहला डिजिट अगर जो फर्स्ट डिजिट है उसमें जीरो नहीं हो सकता तो अब आपके पास ये जो जीरो वाली चॉइस तो है ये खत्म हो गई तो चॉइसेस कितनी बची आपके पास चॉइसेस बची फाइव फाइव चॉइसेस हैं आपके पास कोई एक लेनी है यहां पे तो कितने नंबर ऑफ वेज से ले सकते हैं फाइव नंबर ऑफ वेज है टू चूज वन आउट ऑफ फाइव चॉइसेस इन फाइव में से एक चूज करने की आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो फाइव है बहुत सिंपल एकदम सिंपल कॉमन लॉजिक लग रहा है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा अब सेकेंड डिजिट देखिए सेकेंड डिजिट में क्या है आपके पास रिपीटेशन नॉट अलाउड मींस जो नंबर आपने यहां पे फर्स्ट में ले लिया वो आप यहां पे नहीं ले सकते तो आपके पास ये जो फाइव चॉइसेस थी इसमें से एक नंबर तो इधर आ गया आपके पास चॉइसेस बची फोर ओके okay? पर अब इस सेकेंड में क्या है इस सेकेंड में जीरो भी हो सकता है तो मीन्स चाइसेस हो गई अब आप, आपके पास फाइव तो इन फाइव में से एक लेना है तो मीन्स आपके पास फाइव चॉइसेस है एक चूज करना है नंबर ऑफ वेज होंगे फाइव अब आपके पास एक नंबर यहां पर यहां पे कंज्यूम चु, हो चुका है एक नंबर यहां कंज्यूम हो चुका है दो नंबर कंज्यूम हो चुके हैं छह नंबर थे आपके पास छह डिजिट थे अब आप बचे आपके पास फोर चॉइसेस तो फोर चॉइसेस में से कोई एक लेनी है तो यहां पे आपके पास आएगा फोर क्लियर हो गया तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा और हम लोगों ने अभी आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया कि अगर आपके पास किसी इवेंट के ऑकर्स की जो नंबर ऑफ वेज है वो एम है इसके बाद जब ये इवेंट हो, हो जाए नेक्स्ट इवेंट कैन ऑकर इन एन डिफरेंट वेज एंड वेन इट एज ऑकर नेक्स्ट इवेंट कैन ऑकर इन पी डिफरेंट वेज देन द ऑकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स आर एम क्रॉस एन क्रॉस पी तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फोर दैट इज हंड्रेड कितना सिंपल है देखो अब रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट जो आपके पास इवेंट है यानी कि फर्स्ट डिजिट चूज करने के लिए उसमें आपके पास सिक्स चॉइसेस हैं कौन कौन सी थी जीरो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन अब फर्स्ट डिजिट में ये जीरो वाली हो नहीं सकती यानी कि फाइव चॉइसेस हैं अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया यहां पर सपोज फाइव भी सेलेक्ट कर लिया सपोज फाइव भी सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर फाइव दोबारा आ सकता है स अब आपके पास यहां पे चॉइसेस ये फाइव तो नहीं है प्लस जो हमने शुरू की डिजिट में कंडीशन लगाई थी कि जीरो नहीं हो सकती वो अब सेकंड इवेंट में हो सकती है यानी कि टोटल चॉइसेस हमारे पास है six, और इस में से एक लेना है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है अगर यहां पर वन है तो यहां पर भी वन हो सकता है तो और थर्ड में क्या है थर्ड में चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो जो हमारे पास चॉइसेस चॉइसिस रही वो सिक्स की सिक्स ही रही तो सिक्स में से कोई एक चॉइस हमें चूज करनी है तो नंबर ऑफ वेज वेज तो नंबर ऑफ आ एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज थर्टी सिक्स इंटू फाइव दैट इज वन एटी दिस इज अवर आंसर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कहते हैं हाउ मेनी टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म अब क्या करेगा जो आपके पास यहां पर हमने डिजिट नंबर फोर डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर है तो यहां पड़ेगा? आपको लास्ट की डिजिट शुड बी इवन ओके फिर वो कहेगा बनाओ। फिर और कुछ कंडीशन लगा देंगे तो इस तरह से आप कंडीशन लगती चली जाएंगी तो जो कंडीशन वाला आपकी इवेंट है उसे हम सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा अब क्या कहता है कि टू डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस अब आपके पास जो डिजिट है वो क्या है वो है वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो नंबर क्या है टोटल नंबर ऑफ डिजिट है हमारे पास थ्री एंड थ्री एंड टू फाइव नंबर ऑफ डिजिट है ओके okay? अब क्या है हमें फर्स्ट है कैन रिपीट तो नंबर ऑफ वेज में कैन रिपीट लेना है हमें रिपीटेशन अलाउड अब स्टेटमेंट आप पूरा लिख लीजिएगा कि किस चीज का नंबर ऑफ वेज हम सिंपल यहां पे नंबर ऑफ वेज लेंगे अब क्या करना है आपको टू डिजिट इवन नंबर बनाना है यानी कि बनाना आपको टू डिजिट नंबर है अब उसके साथ कंडीशन लगा दी कि क्या है उसके साथ कंडीशन कि वो इवन होना चाहिए और कोई भी नंबर इवन कब होता है जब उसका यूनिट प्लेस इवन हो तो यहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए कंडीशन लग गई कि यहां पे हमेशा इवन नंबर होना चाहिए इससे पहले के देखिए थ्री डिजिट नंबर में क्या था यहां पे कंडीशन लगी हुई थी क्या कि जीरो नहीं होना चाहिए तो हमने क्या किया था जो आपके पास नंबर थे जीरो वन थ्री फाइव और सेवन इसमें से जीरो वन थ्री फाइव सिक्स सेवन इसमें से जीरो हटा दिया था अब की बार क्या कंडीशन लगी है अब की बार कंडीशन लगी है कि ये जो इसमें ये नंबर जो टू डिजिट नंबर है इवन होना चाहिए मींस और ये इवन कब होगा जब इसका यूनिट प्लेस इवन होगा हमारे पास डिजिट है वन टू थ्री फोर और फाइव इट मींस जो आपके पास यहां पे चॉइस है यहां पर च्वाइज इसमें हमारे पास सिर्फ टू हो सकता है और फोर हो सकता है और मैंने आपको बार बार बताया कि जहां पर कंडीशन लगी हो जिस इवेंट में कंडीशन लगी हो वो इवेंट सबसे पहले परफॉर्म कराइए तो हमारे पास यूनिट प्लेस में हमें इवन नंबर लेने लेके आना है तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस वाला इवेंट परफॉर्म कराएंगे तो यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है कितने चॉइसेस हैं दो ही चॉइसेस हैं दो चॉइसेस में एक चूज करना है तो कितने नंबर ऑफ वे से चूज कर सकते हैं टू नंबर ऑफ वे से चूज कर सकते हैं अब हमारे पास यहां पे देखिए सेकंड इवेंट जो है सेकंड इवेंट कितने नंबर ऑफ वे से परफॉर्म हो सकती है इसमें है रिपीटेशन अलाउड केस वन लेके चल रहे हैं रिपीटेशन अलाउड तो रिपीटेशन अलाउड होगी तो यहां पे सपोज आपने फोर चूज कर लिया तो ए फोर यहां पे भी आ सकता है मींस आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस है वो इतनी ही रहेगी कम नहीं होगी अगर रिपीटेशन नहीं होता रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो जो हमने नंबर इस फर्स्ट इवेंट में ले लिया वो सेकेंड इवेंट में नहीं आता पर यहां पर ऐसा नहीं है तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस है फाइव तो फाइव चॉइसेस में से एक चूज करना है नंबर ऑफ वेज है फाइव दैट इज जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएंगे दैट इज ओके क्लियर अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट है कि इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड तो उस केस में क्या होगा हम लोग मैंने आपको बताया देखिए थोड़ा सा आप मन मन में भी बोलते रहिए ओके okay, तो आपके पास क्या होगा ये सारी चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी आपके पास इवन नंबर लेके आना है यानी कि यूनिट प्लेस पे इवन लाना है यहां पे कंडीशन लगी है तो इस इवेंट को पहले परफॉर्म कराइए टू नंबर ऑफ वेज से परफॉर्म करा सकते हैं अब आपके पास चॉइसेस कितनी थी वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो इसमें से एक तो यहां पे कंज्यूम हो गया क्योंकि रिपीटेशन इस बार अलाउड नहीं है तो यहां पे आपके पास चॉइस बची सिर्फ फोर और फोर में से एक चूज करनी है तो नंबर ऑफ वेज है फोर इन टू टू फोर चॉइसेस है एक चूज करनी है ओके okay? तो दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी थ्री डिजिट ऑर नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दट डिजिट वन टू अब इस बार क्या है फर्स्ट है रिपीटेशन अलाउड अबकी बार हमें क्या करना है थ्री डिजिट नंबर बनाना है तो पहली हमारे पास इवेंट होगी कि हम पहला डिजिट लेंगे देखिए ये थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमने तीन ब्लॉक बना दिए ऐसा नहीं है इवेंट सोचिएगा मन क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे कंफ्यूज करेगा कि इवेंट क्या होगी तो थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमारी इवेंट होगी कि पहला पहला नंबर चूज करा फिर एक पहला नंबर चूज करने की इवेंट हो चुकी फिर सेकेंड नंबर चूज किया फिर थर्ड नंबर चूज किया ओके okay? अब ये बहुत इजी दिख रहे हैं आगे जो है जब और क्वेश्चंस आते चले जाएंगे तो थोड़ा सा ये टफ होता चला जाएगा तो इसलिए आप क्लियर रखिए अपना माइंड कि थ्री डिजिट नंबर डज नॉट मीन्स कि आपने तीन ब्रैकेट बना दी इवेंट है ये इवेंट के साथ को रिलेट करने की कोशिश कीजिए तो थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट अब डिजिट्स हैं हमारे पास यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सेम एज इट इज कि रिपीटेशन ऑफ रिपीटेशन अलाउड है तो थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट ऑड नंबर बनाना है तो इस बार कंडीशन है हमारे पास ऑड नंबर की तो ऑड नंबर कब बनेगा जब यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या हो ऑड नंबर हो यूनिट प्लेस पे ऑड होना चाहिए तभी थ्री डिजिट ऑड नंबर बन के आएगा तो ये यूनिट प्लेस पे ऑड होना चाहिए यानी कि हमारे पास ये वाली इवेंट जो है हम सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे तो यहां पे हमारे पास चॉइसेस कितनी है वन थ्री एंड फाइव तीन चॉइसेस है एक चूज करनी है तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे थ्री ओके okay. उसके बाद हमें सेकेंड इवेंट परफॉर्म करानी है तो सेकेंड इवेंट हम परफॉर्म कराएंगे ये वाली ओके okay? तो हमारे पास चॉइसेस कम नहीं हुई हमारे पास फाइव चॉइसेस है तो फाइव की फाइव फाइव और में से एक चूज करना नंबर ऑफ फिर ये परफॉर्म कराएंगे तो वही सेम फाइव चॉइसेस एक चूज करना है नंबर ऑफ वेज फाइव दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ वेवल टू फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री दैट इज सेवन फाइव क्लियर अब नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज देखने नॉट अलाउड, तो सेम इसी तरह से चलेगा तो यहां पे आपके पास यूनिट प्लेस पे ऑड ऑड आना चाहिए ऑड नंबर मींस यूनिट प्लेस पे डिजिट होनी चाहिए ऑड डिजिट थ्री है थ्री में से एक मींस नंबर ऑफ चॉइस एक चूज करनी है नंबर ऑफ वेज थ्री फिर हम लोग हंड्रेड प्लेस पे सबसे पहले चूज करेंगे तो यहां पे आपके पास चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो एक चॉइस कम हो गई अब आपके पास रह गई फोर फोर चॉइसेस में से एक चूज करनी है नंबर ऑफ इज फोर यहां पे आपके पास अब एक चॉइस और कम हो गई थ्री चॉइसेस रह गई एक चूज करनी है नंबर ऑफ इज थ्री ओके तो टोटल नंबर ऑफ वेजेज फोर इंटू थ्री इंटू थ्री दैट इज थर्टी सिक्स नेक्स्ट देखते कि हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट दिस अब हमें थ्री डिजिट इवन नंबर बनाना है हमारे पास डिजिट है वन टू थ्री फोर सिक्स एंड सेवन थ्री डिजिट नंबर बनाना है प्रीवियस क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके इस तरह के तो आपके पास यूनिट प्लेस पे कंडीशन लगी हुई है थ्री डिज इट नंबर मीन्स यूनिट प्लेस पे इवन आना चाहिए इवन हमारे पास है टू फोर सिक्स यानी हमारे पास यूनिट प्लेस पे हमें इवन नंबर लेके आना है तो नंबर ऑफ चॉइसेस चॉइस थ्री में से एक चूज करना है नंबर ऑफ वेज थ्री अब आप हंड्रेड प्लेस पे टोटल आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है मीन्स एक चॉइस कम हो गई तो सिक्स में से फाइव चॉइस रह गई टेंथ प्लेस पे आपके पास एक चॉइस और कम हो गई तो फोर चॉइसेस रह गई फोर में से एक लेना है मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री दैट इज सिक्स इसी तरह से सेकेंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा अब रिपीटेशन अलाउड है तो रिपीटेशन अलाउड में और कंडीशन लगी है कि इवन नंबर होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए मींस यूनिट प्लेस पे इवन होना चाहिए और चूंकि इस पे कंडीशन लगे है, तो सबसे पहले इवेंट ये परफॉर्म कराएंगे इस इवेंट में हमारे पास चॉइसेस हैं थ्री तो थ्री नंबर ऑफ वेज से थ्री में से एक चूज करना है थ्री नंबर ऑफ वेज फिर हंड्रेड प्लेस पे एक हमारे पास चूंकि रिपीटेशन अलाउड है इस बार तो एक हमारे पास उतनी ही रही और तो 6 रही यहां पे 6 आ जाएगा और place पे भी हमारे पास सिक्स चॉइसेस ही रही मींस नंबर ऑफ वेज इज सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इंटू थ्री दैट इज वन जीरो हाउ मेनी थ्री डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस्ट अब देखिए अभी सारे क्वेश्चन जैसे होते चले जा रहे हैं तो एक बार आप शुरू के दो क्वेश्चन इलेवंथ और ट्वेल्थ वाला देख कर लीजिए अच्छी तरह से बाकी सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपको थ्री डिजिट ऑर्ड नंबर बनाना है तो यहां पर कंडीशन लगी है ऑड नंबर थ्री डिजिट ऑर्ड नंबर का मतलब है कि आपके पास लास्ट में यूनिट प्लेस पे ऑर्ड ऑड हो यूनिट प्लेस ऑड होना चाहिए ओके okay. तो यूनिट प्लेस पे ऑर्ड कंडीशन लगी मीन सबसे पहले हम यूनिट प्लेस वाली कंडीशन परफॉर्म कराएंगे इवेंट तो यहाँ पे हमारे पास है जीरो ऑड है कितने कितने वन थ्री एंड फाइव थ्री चॉइसेस हैं रिपीटेशन अलाउड है रिपीटेशन अलाउड होने के कारण यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस कितनी बची टोटल बची वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बट जीरो नहीं हो सकता तो मीन फाइव चॉइसेस है यहां पे सेकंड जो टेंथ प्लेस है यहां पे कितने रिपीटेशन अलाउड है मींस सारी चॉइसेस खुली हुई हैं यानी कि छह की छह चॉइसेस हमारे पास है तो देखिए अब इसमें देखिए अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे कि फाइव फोर से फाइव मतलब किसी पैटर्न को तो ऐसे होता नहीं है तो यहां देखिए कोई पैटर्न नहीं है फाइव सिक्स थ्री बहुत सिंपल फिर से एक बार देख लीजिए आपके पास ऑड नंबर लेके आना है तो चॉइसेस है आपके पास वन थ्री एंड फाइव इसमें से कोई एक चूज करना है नंबर ऑफ बेस हो गए थ्री अब अगर हम 100 प्लेस पे देखें रिपीटेशन अलाउड है रिपीटेशन अलाउड होने के कारण यहां पे जो भी नंबर है वो यहां पे हो सकता है पर यहां पे कंडीशन क्या है कि जीरो नहीं हो सकता तो जीरो नहीं होने के कारण एक चॉइस हमारी कम हो गई चॉइस बची पांच पांच में से एक लेनी है मीन्स फाइव वे नंबर ऑफ वेज है टेन प्लेस की अगर हम बात करें तो टेन प्लेस में हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं यहां पे जीरो भी हो सकता है और जो यहां पे ले लिया वो भी हो सकता है जो यहां ले लिया वो भी हो सकता है मीन सारे चॉइसेस है मीन सिक्स तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए फाइव इंटू सिक्स दैट इज थर्टी इंटू थ्री दैट इज नाइनटी तरह सेकेंड है हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड अब रिपीटेशन जब आपके पास अलाउड नहीं है तो आपको ऑड नंबर लेके आना है तो आपके पास जीरो ऑड आपको क्या है रिपीटेशन अलाउड नहीं है रिपीटेशन अलाउड नहीं होने के कारण एक चॉइस जो आपने यहां ले ली एक तो वो कम हो गया यानी आपके पास जो टोटल सिक्स थे सिक्स में से एक तो वो कम हो गया ओके तो बचे फाइव अब इसमें यूनिट प्लेस में एक कंडीशन और लगेगी कि जीरो नहीं हो सकता मींस एक और कम हो गया मींस फोर तो फोर है, में से एक लेनी है, पे ले चुके तो शिक्स था, शिक्स में से दो चॉइसेस आपने ले ली यूज कर ली तो बची फोर तो आपके पास यहां पर बचा फोर अब यहां पर जीरो भी ले सकते हैं इसलिए हमारे पास यहां पर इस वाले में और इस वाले में चॉइसेस सेम दिखाई दे रही है इस वाले में आपके पास क्या था जब आपने यूनिट प्लेस भरा जब आपने हंड्रेड प्लेस भरा तो तब तक सिर्फ एक चॉइस ली थी आपने तो एक कम हुआ था यानी कि सिक्स में से एक कम हुआ फाइव और जो दूसरा वाला एक कम हुआ वो इस कारण से कम हुआ क्योंकि हंड्रेड प्लेस पे जीरो नहीं हो सकता ओके okay? तो इसलिए आया फोर तो ये आपके पास हो गया फोर इंटू फोर इंटू थ्री दैट इज फोर्टी एट दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट है कि एवरी डिजिट हाउ मेनी नंबर बिटवीन 99 एंड 1000 तो देखिए पहले 99 और 1000 के बीच में आपको नंबर फॉर्म करने हैं हाउ मेनी नंबर बिटवीन दिस बोथ एक्सक्लूडिंग दोनों को एक्सक्लूड करना है कैन बी फॉर्मड तो 99 और 1000 के बीच में 99 के बाद जस्ट बाद होगा 100 और इससे जस्ट प्रीवियस होगा 999 और अगर आप ध्यान से देखें तो थ्री डिजिट नंबर है थ्री डिजिट नंबर है ये तो मीन्स आपको थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है नंबर एक नंबर दो जो टोटल टोटल नंबर्स हैं अगर आप वैसे भी काउंट करें तो टोटल नंबर हैं कितने सबसे पहला नंबर है डिजिट का और सबसे लास्ट का है नाइन 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 तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके टोटल नंबर हो गए नाइन ओके वन जीरो जीरो से स्टार्ट होकर नाइन 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 तक है. तो दो चीजें हमें यहां से इसके स्टेटमेंट से हम लोगों ने कॉन्क्लूड करी कि क्या कॉन्क्लूड करी कि वी हैव टू फॉर्म थ्री डिजिट नंबर एक तो ये कॉन्क्लूड करा दूसरा क्या कॉन्क्लूड किया ये हमने ए कॉन्क्लूड किया बी क्या कॉन्क्लूड किया कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर वो होती कितनी है वो होती है हमारे वो होती है नाइन हंड्रेड हंड्रेड से शुरू होती है और नाइन 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 तक जाती है ओके अब देखते हैं फर्स्ट कहता क्या है ये ये वाला फर्स्ट इसको हटा देते हैं यहां से अब हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पार्ट कि एवरी डिजिट इज आइदर थ्री और सेवन हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है देखिए अब क्वेश्चन सिंपल हो गया थ्री डिजिट नंबर बनाना है हमारे पास डिजिट कोई सी भी हो सकती है जीरो से लेके नाइन तक जो नंबर ऑफ डिजिट है हमारे पास वो है टेन यहां पे लिख लेते हैं इसको भी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है वो है हमारे पास टेन कौन कौन सी जीरो से लेके नाइन तक अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट है कि हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है एंड एवरी डिजिट इज आइदर थ्री और सेवन हर एक डिजिट क्या होनी चाहिए तो थ्री होनी चाहिए या सेवन होनी चाहिए तो सबसे पहले यहां पे जीरो से लेके नाइन तक में आपके पास थ्री और सेवन एक ही एक बार आता है यानी दो ही चॉइस है तो दो में से एक लेनी है तो क्या ले सकते हैं दो नंबर ऑफ वेज होंगे अब ये इवेंट हो गई अब हमने सेकेंड इवेंट परफॉर्म कराई फिर हमें थ्री और सेवन लेना है तो दो चॉइसेस हैं दो में से एक लेनी अब आप कहेंगे सर रिपीटेशन अलाउड है ये नहीं लिखा तो कई बार आपको चीजें को अंडरस्टूड मानना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहां पे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो लिख के देगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड क्योंकि जब नंबर ऑफ जब हमें जब हमें कोई नंबर बनाना होता है तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आप ये नहीं कह सकते कि 22 नंबर हम एक्सक्लूड कर दें जब तक वो कह नहीं रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड तो 22 टू इज ऑल्सो ए नंबर तो हमेशा जब नंबर की बात करेगा तो अलाउड मानी जाएगी अब थर्ड इवेंट परफॉर्म कराना है तो थर्ड इवेंट मीन थर्ड प्लेस पे हम लोगों को नंबर चूज करना है तो थ्री और सेवन में से कोई एक ही चूज करना है तो दो चॉइसेस एक चूज करना है नंबर ऑफ वेज टू तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टू इंटू टू इंटू टू ट इज टू रेस टू दी पावर थ्री दैट इज एट सेकेंड देखते देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है थ्री डिजिट नंबर बनाना है देखिए अब थ्री डिजिट और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहां पे कितने जीरो टोटल डिजिट क्या है देखिए जीरो टू नाइन दैट इज टेन डिजिट है सिर्फ एक कंडीशन क्या है कि यहां पे जीरो नहीं हो सकता ये अंडरस्टूड है क्योंकि हमें थ्री डिजिट नंबर बनाना है जीरो ट्वेंटी थ्री इज अ टू डिजिट नंबर तो मीनस हमारे पास यहां पे जो चॉइसेस हैं वो नो no. यहां पे कोई कंडीशन नहीं है मींस रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास चॉइस है टेन और यहां पे हमारे पास चॉइस है टेन मींस हो गया नाइन इंटू टेन इंटू टेन तो टोटल नंबर ऑफ अब आप इसको मैं दूसरा भी बताऊंगा देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज ये तो हम कुछ कर चुके नाइन हंड्रेड और अगर आप यहां से देखें यहां पे हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स 900 तो ये 900 वही तो है कि विदाउट कंडीशन हमने यहां पे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया यहां पे हम लोगों ने सिंपल काउंटिंग से किया एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा के तो पहले भी लिख चुके थे दोबारा भी लिख दिया आप देखिए थर्ड क्या कहता है कि नो डिजिट इज रिपीटेड इस बार डिजिट रिपीट नहीं करेगी तो डिजिट रिपीट नहीं करेगी मीन्स हमारे पास फर्स्ट चॉइस है नौ की सेकेंड इवेंट जब हम परफॉर्म कराएंगे तो एक चॉइस कम हो गई क्योंकि यहां पे हम ले चुके तो टोटल चॉइसेस थी टेन एक हम ले चुके तो हमारे पास चॉइसेस बची नौ आप कहेंगे सर यहां पे भी नौ यहां पे भी नौ तो यहां पे तो ऑलरेडी जीरो वाला माइनस किया था हमने वो जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा और जो इवेंट यहां पे जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे नहीं आएगा इसलिए अगर हम इसके रेफरेंस में देखें तो एक चॉइस यहां पर ज्यादा है जीरो की और एक चॉइस यहां पे कम है क्योंकि यहां पे जो नंबर चूज कर लिया है वो यहां पे नहीं आ सकता ओके और अब हमारे पास दो चॉइसेस यहां पे कम हो गई तो ये नंबर ऑफ वेज बचा एट तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज नाइन इंटू नाइन इंटू एट दैट इज एटी वन इंटू एट दैट इज सिक्स फोर फोर्थ देखते फोर्थ कहता है डिजिट इन हंड्रेड प्लेस इज सेवन अब कह रहा हैं कि जो डिजिट है हंड्रेड प्लेस पे यहां पे वो क्या है सेवन है यानी हमारे पास एक ही चॉइस है एक ही चॉइस है सेवन और सेवन ही लेनी है सेवन क्या एक ही है और उसमें से एक ही लेना है तो नंबर ऑफ वेज है वन अब यहां पे कितने नंबर ऑफ वेज से ले सकते हैं हमारे पास टोटल टेन है टेन में से कोई भी एक ले सकते हैं तो यहां पे हो गया टेन और यहां पर यूनिट प्लेस पे टेन चॉइस है यहां पर देखिए सेवन क्या कह रहा है द डिजिट इन हंड्रेड प्लेस इज सेवन हंड्रेड प्लेस पे सेवन होगा ये नहीं कह रहा है कि टेन और यूनिट प्लेस पे जो है वो सेवन नहीं हो सकता तो चॉइसेस खुली हुई है मींस टू टोटल नंबर ऑफ वेज है इज वन इंटू टेन इंटू टेन फिफ्थ देखते हैं द डिजिट इन टेन प्लेस इज सेवन अब हमें टेन प्लेस पे कंडीशन लगी है तो सबसे पहले हम टेन डिजिट की जो इवेंट है वो परफॉर्म कराएंगे ये वाली इवेंट सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे तो क्या डिजिट इन टेन प्लेस इज सेवन तो हमारे पास यहां पर जो टेन प्लेस में चॉइसेस हैं वो एक ही है और एक ही लेनी है अब आप सिंपल यहां पे, यहां पे आपके पास नाइन चॉइसेस जीरो नहीं ले सकते और यहां पे आपके पास टेन की टेन चॉइसेस हैं। मींस जो आपके पास नंबर ऑफ वेज है ओके okay. अब आप अगर इसके सारे क्वेश्चन जो हम अभी इससे पहले हम लोगों ने किए वो अगर करते चले जाएंगे तो ये चुटकियों में होते चले जाएंगे अब इसके बाद नेक्स्ट था द डिजिट सेवन डज नॉट अपियर एट एनी प्लेस अब सेवन नहीं आनी चाहिए किसी भी जगह पे तो यानी कि जीरो टू नाइन जो आपके पास टोटल टेन थी इसमें से एक कम हो गया बची नाइन सेवन नहीं आनी चाहिए अब इन नाइन में से लेना इन नाइन में भी आपके पास जो हंड्रेड प्लेस है उस पर कंडीशन लगी है कि जीरो नहीं हो सकता मींस बचा एट यहां पर यहां पे, यहां पे भी जीरो ले सकते हैं टोटल मींस जो नंबर ऑफ वेज है वह एट इंटू नाइन इंटू नाइन दैट इज सिक्स फोर एट क्या कहता है इसी का सेवेंथ पार्ट कहता है डिजिट एट यूनिट प्लेस इज सेवन डिजिट एट यूनिट प्लेस इज सेवन यहां पे आपके पास सेवन होना चाहिए तो सेवन का मतलब एक ही चॉइस है, तो है।, है, है, है और यहां पे आपके पास टेन की टेन चॉइसेस है कोई कंडीशन नहीं है हंड्रेड प्लेस के लिए कंडीशन क्या है कि जीरो नहीं हो सकता ये अंडरस्टूड है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा नाइन इंटू टेन इंटू वन दैट इज नाइन तो सेवन पार्ट देखिए कि एटलीस्ट वन डिजिट इज सेवन तो एटलीस्ट वन डिजिट इज सेवन का क्या मतलब है कि आपके पास एक डिजिट भी सेवन हो सकती है वन डिजिट इज सेवन स्पेसिफिकली वन डिजिट स्ट्रिक्टली वन डिजिट इज सेवन प्लस टू डिजिट इज सेवन प्लस ऑल डिजिट्स आर सेवन तो तीनों बनेंगे अब आप पहले वन डिजिट इज सेवन वन डिजिट इज सेवन में भी आपके पास हंड्रेड प्लेस पे सेवन हो या फिर टेंस प्लेस पे सेवन हो या फिर यूनिट प्लेस पे सेवन हो, हो तीन कंडीशन इसकी बनेंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा तो इससे बचने के लिए सेट थ्योरी याद हो तो सेट थ्योरी में भी आप इस तरह के करते, क्वेश्चन करते थे कि एटलीस्ट वन डिजिट इज सेवन मीन्स टोटल नंबर माइनस नो नो डिजिट इज सेवन मीन्स जो आपके पास टोटल नंबर है उसमें से आप ऐसे नंबर माइनस कर दीजिए जिसमें सेवन नहीं है तो आपके पास आ जाएगा एटलीस्ट वन डिजिट इज सेवन टोटल नंबर कितने थे मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट से नाइन हंड्रेड किया द डिजिट सेवन डज नॉट अपियर एट एनी प्लेस तो यही तो करना है हमें कोई भी सेवन जो है अपियर नहीं हो रहा है मींस और टोटल नंबर ऑफ वेज थे कितने इसके वो थे हमारे पास सिक्स फोर एट ये सिक्स फोर एट थे तो सिक्स फोर एट आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टू देन फाइव देन टू टू फिफ्टी टू इज अवर आंसर